नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभु दयाल हंस, प्रवक्ता हिंदी, एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। प्यारे साथियों, इस बार हम कक्षा पाँचवीं में एक कविता संकलित है जिसका शीर्षक है जय जवान जय किसान। वह कविता लेकर के आपके बीच उपस्थित हैं और इस जय जवान जय किसान कविता के आधार पर निश्चित रूप से हम एक बात कह सकते हैं कि जिस देश का किसान पसीना बहा करके खेतों से सोना पैदा करता है और जिस देश का जवान खून बहा करके सरहदों की रक्षा करता है, उस देश का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये कविता है मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को, जय जवान जय किसान। 1965 के युद्ध में जब चीन से पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने यह नारा दिया था जय जवान जय किसान, और उस नारे के आधार पर इस कविता का निर्माण किया गया। झुका नहीं सकी जिसे प्रलय मचाती टोलियां, डरा नहीं सकी जिसे वे दन दनाती गोलियां, वतन पर हंस के वार दे जवान अपनी जान को, मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। और हमारे वीर सैनिक किस तरह से सरहद पर काम करते हैं, ऐसे ही किसान भी। धरा उगल रही है स्वर्ण जिसके श्रम प्रताप से, सनाथ पुण्य भूमि है किसान के कलाप से, भुला सकेगा कौन भला मौन रक्तदान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को, जय जवान जय किसान। यहाँ किसान के परिश्रम का कवि वर्णन करता है और इसके बाद दोनों ही देश की उन्नति में किस तरह की भूमिका निभाते हैं। कवि कहता है कि पराक्रमी जवान मातृभूमि की शान बान है, पराक्रमी जवान मातृभूमि की शान बान है, परिश्रमी किसान से यह देश भाग्यवान है, त्यागी तपस्वी धीर वीर आत्मा महान को, प्रणाम रम्य भूमि के जवान को, किसान को, जय जवान जय किसान। किसी देश के लिए दोनों का ही विशेष महत्व है, दोनों से यह भूमि प्रतापी बनती है, यह भूमि उपजाऊ बनती है। मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को, जय जवान जय किसान। इस कविता के माध्यम से, क्योंकि उस समय देश की आवश्यकता भी थी कि हमारे जवानों को नैतिक बल प्रदान किया जाए, हमारे किसान को नैतिक बल प्रदान किया जाए, ताकि इस देश के दुश्मनों को सबक सिखाया जा सके। प्यारे साथियों, ये प्रस्तुति प्रभु दयाल हंस, और अति शीघ्र एक और वीडियो लेकर आपके सामने होंगे।